नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कोरोना वायरस के यूके वाले नए स्ट्रेन के भारत में 20 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ न्यू स्ट्रेन के मामलों की संख्या यहां 58 पहुंच गई है। एक तरफ देश में कोरोना संक्रमण के रोजाना आने वाले मामलों में गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ नए स्ट्रेन के मामलों की संख्या में आई बढ़ोतरी ने चिंता को बढ़ा दिया है। बता दें कि ये सभी 20 नए मामले पुणे के लैब में मिले हैं। इन 58 मरीजों में से 10 बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में, 3 CCMB हैदराबाद में, 25 NIV पुणे में, 11 IGIB दिल्ली में, 8 NCDC दिल्ली में और 1 कोलकाता के NCBG में पाए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार ब्रिटेन के नए प्रकार के जीनोम के साथ अब तक देश में कुल 58 नमूनों में इनकी पुष्टि हुई है। सरकार के अनुसार संक्रमित लोगों के साथ यात्रा करने वालों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ अन्य संपर्कों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है, ताकि इसके संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। बता दें कि ब्रिटेन में मिले नए वायरस के प्रकार से डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान और सिंगापुर में कई लोग संक्रमित हो चुके हैं। ब्रिटेन ने नए स्ट्रेन के कारण देश में पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है, जो कि फरवरी तक जारी रहने की संभावना है। यूके में फैले इस वायरस को देखते हुए भारत सरकार ने यूके से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया था, जो कि जल्द ही फिर से शुरू होने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।